हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम और क्लास 11th की आखिरी पोएम है, लास्ट पोएम फादर टू सन। इसके जो पोएट हैं वो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है फादर टू सन, तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन फादर और सन के रिलेशन के बीच में होगा। तो सबसे पहले इसके हार्ड वर्ड्स जो हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पोएम की समरी पर चलते हैं। पहला वर्ड जो दिया हुआ वो दिया हुआ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब संबंध, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं इनको दर्शाने के लिए वर्ड यूज़ किया था रिलेशनशिप। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब कोई योजना या कोई स्कीम, कोई आकार। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है प्रोडिकल। प्रोडिकल का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा शेपिंग। शेपिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को आकार देना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्लोब। ग्लोब का मीनिंग होता है, यहाँ पर जो ग्लोब जो होता है एक 3D डिज़ाइन होती है पृथ्वी की, जिसे यहाँ पर यूज़ किया गया है एक संसार के रूप में। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब इच्छा। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ हमारा, बस ये हमारे लास्ट वर्ड था लॉन्गिंग। अब चलते हैं इसकी समरी की ओर। तो ये जो पोएम है उसमें एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, जिसमें कि एक जनरेशन गैप की बात की गई है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आजकल गैप हो रहा है उसके बारे में, जो कि एक पिता और बेटे के बीच में उनके आपसी कम्युनिकेशन, जो आपस में उनकी बातचीत जो होती है, जो उनके बात करने का तरीका है, उसके बीच में जो गैपिंग जो आजकल हो रही है उसके बारे में समझाया गया है। द पोएम बिगिंस विद अ फादर्स लेमेंट दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड इज चाइल्ड थो दे हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर सो मेनी ईयर्स। ये जो पोएम है, इस पोएम में एक पिता जो है अपने बेटे के, जो अपना पुत्र है, उसके बीच में जो अंतर है उसको नहीं समझ पाता है। हालांकि वो दोनों ही एक ही मकान में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उनको समझ नहीं पा रहा है। ही कन्फेसेस दैट ही नोज नथिंग ऑफ हिम। वो इस बात को मानता है कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में आपस में कोई बातचीत नहीं हो पाती। क्योंकि बातचीत क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिम, और इस चीज़ को समझने के लिए, ही ट्राइज टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम वॉट ही नोज अबाउट हिम वेन ही वॉज स्मॉल। तो इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए वो एक पहल करता है कि वो अपने बच्चे से उसी तरीके से बात करेगा जैसे कि वो एक बच्चा है। जैसे कि हम कई सारी मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें बताई जाती है कि जब कभी भी आपको एक बच्चे के बारे में आपको जानना है तो आपको एक बच्चे की तरह ही उसे ट्रीट करना होगा, और आपको जो आपकी ट्रीटमेंट है वो भी एक बच्चे की तरह ही होना चाहिए। तो वो स्टार्ट करता है जब वो छोटा था तभी से उसे लेकर समझने के लिए, जिससे कि उसके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए। हाउएवर ही थ्रेड कनेक्टिंग द टू इन मिसिंग। हालांकि जो इन दोनों के बीच में जो थ्रेड है, जो धागा है, वो धागा कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग हो चुकी है, जनरेशन गैपिंग हो चुकी है। द सन इज़ बिजी इन सर्चिंग न्यू अवेन्यूज फॉर हिमसेल्फ एंड मूविंग अवे टू हिज ओन वर्ल्ड। जो बेटा है वो क्या है, कहीं ना अपने आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ढूंढने के लिए उतारू है। वो नई नई चीज़ों को ढूंढना चाहता है, नए नई जगहों पे जाना चाहता है, इन सारी चीज़ों को वो सर्च करता है। ही सीम्स टू हैव मिस्ड द लिंक समवेयर। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने जो लिंक है, जो उन दोनों को बीच में जोड़े हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, मिस कर दिया है। आइदर ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द सीड और मिसप्लेस्ड इट समवेयर इन अ एरिया विच डज नॉट बिलोंग टू हिम। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने जो बीज बोया था, यानी कि जो उसने संबंधों का जो बीज बोया था, वो शायद उसने किसी ऐसी जगह गाड़ा है, ऐसी जगह उसने उगाया उसको, जहाँ पर शायद उस जगह को वो भूल चुका है, या उसने कहीं पर उसको खो दिया, या उसको बिल्कुल बीज को उसने बर्बाद कर दिया है। द रिज़ल्ट इज़ लॉस ऑफ एफिनिटी एंड क्लोजनेस। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारी कमी आ चुकी है और उन दोनों के बीच में कोई भी लगाव नहीं रहा है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स।
वे दोनों पिता और पुत्र दोनों ही एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं। एंड देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और ना ही कोई ऐसा कोई सबूत मिलता है या ना कोई ऐसा कोई निशान मिलता है जिससे कि ये पता लगे कि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन हाईलाइट्स द ग्रोइंग कल्चर्स बिटवीन द टू जनरेशन। इनकी जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, जो कम्युनिकेशन की जो उनकी आपस में बातचीत की जो कमी है, इसके कारण उन दोनों की जनरेशन में काफ़ी सारे गैपिंग हो चुकी है। द फादर एडमिट्स दैट द चाइल्ड्स फिजिकल शेप इज़ अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिज़ायर। फादर यहाँ पर एक बात को ही मानता है कि उसके बच्चे की जो फिजिकल शेप है यानी उसका जो शारीरिक गठन जो है वो तो उसकी इच्छा अनुसार है, जैसा उसके पिता चाहते थे वो उसी के अनुसार है, बट लेकिन देयर इंटरेस्ट डिफर, लेकिन उसकी जो इच्छाएँ हैं वो उसके पिता के अनुसार नहीं है। ही कैन नॉट शेयर वॉट द सन लव्स। जो उसका बेटा जो चाहता है काम, जो भी काम करना चाहता है, जिस चीज़ को वो पाना चाहता है, उन चीज़ों को वो अपने पिता के साथ शेयर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में अभी भी कम्युनिकेशन गैपिंग है। अगर वो कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होती तो शायद वो आज इन चीज़ों को भी आसानी से अपने पिता से शेयर कर देता। द लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रिजल्ट्स इन लैक कम्युनिकेशन। जब दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन नहीं होंगे, यानी कि जब जो दोनों की इच्छाएं समान नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन गैपिंग आएगी। द सन इज़ बिजी इन सर्चिंग न्यू एवेन्यूज फॉर हिमसेल्फ मूविंग अवे टू हिज ओन वर्ल्ड। और जो बच्चा है वो अपने लिए नई नई चीज़ों को खोज करने में बिजी है और अपने जो उसका खुद के जो दुनिया है उस दुनिया को, अपनी दुनिया को आगे बढ़ाए चला जा रहा है। द फादर विशेज दैट द हिज सन माइट रिटर्न टू हिम एज द प्रोडिगल प्रोडिगल सन। उसके पिता कहते हैं, द फादर विशेस, उसके पिता की इच्छा है कि इस सन माइट रिटर्न टू हिम एज द प्रोवेरियल प्रोडिकल सन, कि उसका जो बेटा है वो एक दिन उसके पास लौट आएगा। जैसा कि पुरानी जो कहावतें हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसी प्रकार वो कहता है कि जिस दिन उसे इस चीज़ का आभास होगा, जिस दिन उसे जिस चीज़ का एहसास होगा, तो वो एक दिन डेफिनेटली मेरे पास में वापस लौट कर आएगा। He would prefer his return to the place he is so familiar with rather than risk adventure to unknown and unfamiliar lands. और जब वो उस स्थान पर लौट के आएगा तो उसको और ज़्यादा क्या समझेगा, अच्छा समझेगा कि शायद मैं सही जगह पर आया हूँ, क्योंकि वह उससे अब क्या हो चुका है, अच्छी तरीके से जान चुका है। देखिए, जब हम कहीं निकलते हैं फील्ड में, हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो हम उनकी उस बात को समय नहीं मानते, लेकिन जब उस चीज़ में हमें नुकसान होता है तब हम कहते हैं कि अगर हम शायद अपने बड़ों की बात मान लेते तो शायद हमें इस नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ती। तो जब वो आएगा उस दुनिया से लौटकर, तो उस वो ऑलरेडी वहाँ से एक्सपीरियंसड हो चुका होगा, तो वो जानेगा कि हाँ, जो मेरे पेरेंट्स कह रहे थे वो एकदम सही बात थी, और इसी बात से वो एकदम जो अज्ञात लोग जो हैं या फिर जिनको वो नहीं जानता है, यहाँ पर उसने जो खतरे उठाए, उसने इन चीज़ों को बिल्कुल समझ चुका होगा। ऑल्सो फॉरगिव हिज सन, और जब वो वापस लौट कर आएगा तो उसको अपने बेटे को वो क्या करेगा, माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने अब नई चीज़ों को सीखा है। ही होप टू बिल्ड अ न्यू लव फॉर फ्रॉम द सोरो ऑफ लॉसिंग मटेरियल वेल्थ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सन्स वेंचर। अब वो जिसने उसने जो नुकसान भरा है, जो भी उसने दुख पाया है या जो नुकसान उसने भरा है, जो उसने जोखिम भरे जो कार्य करे थे, उन कार्यों के कारण उसका जो भी नुकसान हुआ है, उसका फिजिकल हुआ है या इकोनॉमिकल हुआ है, उसे अब उस चीज़ की परवाह नहीं है। उसके बावजूद भी वो वहाँ पे क्या करेगा, अपने बेटे के साथ एक नए रिश्ते को डेवलप करेगा और उम्मीद करेगा कि अब वो इसके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करे। द रियलाइजेशन डाउन ऑन द फादर एट लास्ट। अब इस बात की समझ जो है उसके पिता को क्या होती है, लास्ट में आती है। ही एंड हिज सन मस्ट लिव ऑन द सेम अर्थ, कि वो और उसके पिता दोनों ही उसी एक धरती पर रहे जिस पर वो दोनों रहे, एंड ऑन द पार्ट ऑफ लैंड, और दोनों ही उसी का हिस्सा हैं, वो दोनों पिता पुत्र भी उसी ज़मीन का हिस्सा हैं। नाउ व्हेन द सन स्पीक्स, अब जब बेटा बोलता है, द फादर फेल्स टू अंडरस्टैंड इट, तो फादर जो है उसको समझ नहीं पाता है। इट सीम्स एज इफ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज द सन इज इमेज ऑफ फादर हिमसेल्फ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बेटा है वो उस पिता की ही क्या है, फोटोकॉपी है, जो कि उसकी, क्योंकि उसको जन्म उसी ने दिया है, सारी चीज़ें उसी के अंदर से, जेनेटिकल इफेक्ट उसी के अंदर से आए हैं उसके पास। द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन कॉजेज एंगर, जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनका कारण क्या बनता है, एक एंगर बनता है, एक गुस्सा बनता है, तो दोनों में गुस्से का प्रभाव भी बढ़ता है। दे हैड
हैंड दे एक्सटेंड इज एम्प्टी, क्योंकि उनके हाथ इस समय क्या है, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हाउ एवर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग टू हेल्प हिम इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग द बिटरनेस। हालांकि जब इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपनी सारी कड़वाहटों, जो कड़वाहट है हमारे अंदर, उन सबको भूल के अपने बेटे को क्षमा कर देना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी एक नई ज़िंदगी की स्टार्ट कर सके। तो ये थी आज की पोएम, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपको इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।